किसी महान व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा है कि आप अपनी लाइफ में अगर ट्रैवल नहीं करते हो तो आप अपनी किताब में से कुछ ही पन्ने पढ़ते हो, बाकी के पन्ने आप पढ़े बिना ही उससे अछूते रह जाते हो। और बस इसी तरीके से आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, फॉरेनर स्पेशली अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने के साथ बस उन्हें छोड़ देते हैं कि वो घूमें, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, लिबरल बनाता है, वोकल बनाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको बहुत कुछ सिखाता है। और आप जब तक अपने कम्फर्ट जोन से, अपने घर से, अपने शहर से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप वो चीज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों से क्यों ना शेयर किया जाए कि ट्रैवल ने इन 3 सालों में मुझे क्या सिखाया है। तो जी हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी एंड आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में मैं, जैसा कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, थिंग्स आई लर्न फ्रॉम ट्रैवल। यस, वैसे तो अगर मैं ट्रैवलिंग की बात कहूँ तो मैं बचपन से ट्रैवल कर रही हूँ। लाइक 5-6 साल की थी तब से पापा ने हम तीनों बहनों को और मम्मी पापा, हम पांचों जो है हर साल समर वेकेशन पे 15 से 20 दिन के लिए कहीं दूर जाते थे। लाइक हमने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पापा ने सब कुछ घुमाया है। तो बचपन से ट्रैवल करती थी, वही कीड़ा अंदर इतना ज़्यादा जागृत था और इतना भरा हुआ था कि बस आगे भी जाकर वो चीज़ ऐसे पैशन बन जाएगी और पैशन प्रोफेशन बन जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो इसके बारे में तो नहीं बताऊंगी कि कैसे मेरा पैशन प्रोफेशन बना, कैसे मैं आरजे से ट्रैवल व्लॉगर बनी। ये सब देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है। बट आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रैवल ने मुझे सिखाई है। तो पिछले 3 साल से मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग कर रही हूँ। 1 साल तो मैंने सीखा कि चीज़ें कैसी होती है और किस तरीके से ये सब होता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्लॉग कैसे किया जाता है, वो मैं आज भी सीख रही हूँ। आई एम नॉट प्रो एट इट, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। एडिटिंग सीखने से लेके, फोटोग्राफी सीखने से लेके, वीडियोग्राफी, सब कुछ मैं खुद करती हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। एंड आई कैन प्राउडली से मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं वो मैंने खुद बनाए हैं, मैंने विदाउट एनी हेल्प यूट्यूब से ही मैंने जो सीखा है वही मैं यूट्यूब पे पुट करती हूँ, वही अपलोड करती हूँ, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि ट्रैवल सिखाती है वो है डिसिप्लिन। जैसे हमें स्कूल में एक टाइम से बुलाया जाता था, हम एक टाइम पे वापस आते थे, रिसेस का टाइम होता था, क्लासेस का टाइम होता था, वैसे ही ट्रैवल में भी आप डिसिप्लिन रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई ट्रेन, कोई फ्लाइट, कोई बस कभी भी रुकती नहीं है। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट का एक सर्टन टाइम होता है, आपको उसी टाइम पर पहुँचना पड़ता है, ट्रेन का भी सर्टन टाइम होता है, बसेस का भी सर्टन टाइम होता है, और इस तरीके से आप एक टाइम में बॉन्ड होते हो और वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। होटल में चेक इन चेकआउट टाइम होता है, उसमें भी आपको उस टाइम से रेडी होना पड़ता है। आप कहीं टूर के लिए निकल रहे हो तो पूरा ग्रुप आपका वेट कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको भी उसी टाइम पे रेडी होना पड़ता है। तो इस तरीके से ट्रैवल जो है ना आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है और वो हमारी लाइफ में होना इन जनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो कि मुझे ट्रैवल ने सिखाई है वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। ऑब्वियसली जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो इवन, तभी आप एक कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो, क्योंकि आपके सामने कोई होता नहीं है जो मम्मी की तरह आपको खाना परोस के दे देगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्रैवल्ड, नॉट ट्रैवल्ड एक्चुअली, मैं उसको ट्रैवल नहीं बोलूँगी, हमारी स्कूल से एक ग्रुप था स्काउट एंड गाइड इफ़ यू नो, तो हम लोगों को लेकर जाया गया था हरिद्वार कैंपिंग के लिए 10 दिन के लिए। एंड मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी क्योंकि तब मैं 9th क्लास में थी और मैं पहली बार अपने पेरेंट्स के बिना निकल रही थी। तो वैसे देखा जाए तो मेरा वो फर्स्ट पेरेंट्स के बिना अकेले कहीं पर जाना फ्रेंड्स के साथ, मैं 9th क्लास में ही चली गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मेरे लिए मुश्किल नहीं रही होगी अकेले घूमने वाली। हाँ, इसलिए मैं अकेले अपने आप की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सो द थिंग इज़, वहीं मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गई थी क्योंकि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कद्दू की सब्जी खाई थी। इट मे साउंड लिटिल फनी टू यू, बट कद्दू की सब्जी वॉज द वन वेजिटेबल विच आई हेटेड द मोस्ट। बट द डे वी अराइव दैट कैंप साइड, वहाँ पर खाने में हमें इतनी भूख लगी थी और खाने में क्या बना था, चावल और कद्दू की सब्जी, एंड आई क्राइड, लिटरली आई क्राइड। आई वॉज लाइक, आई वॉज स्टार्विंग एट द सेम टाइम आई वॉज क्राइंग, एंड माई टीचर टोल्ड मी, हिमानी दिस इज नॉट द वे यू शुड बिहेव, आपको जो बना है वो खाना पड़ेगा, सारे बच्चे यही खा रहे हैं, आपको भी यही खाना पड़ेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं बन सकता यहाँ पे। और देन आई हैड कद्दू की सब्जी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड दैट डे आई स्टिल रिमेंबर, आई
आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे बिकॉज मैं रोते रोते खा रही थी एंड लिटरली उस दिन से आज का दिन है मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को ना नहीं बोला. मुझे जो मिलता है प्लेट में मैं वो खा लेती हूँ, लाइक एक्सेप्ट नॉन वेजिटेरियन थिंग बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन. मैं एग्स खाती हूँ बट या आई एम एगिटेरियन यू कैन से. तो मुझे जो भी प्लेट में सर्व मिलता है, जो भी सब्जियाँ मिलती हैं, मैं सब खाती हूँ. वैन आई लव करेला नाउ, लाइक पिछले कुछ सालों से करेला इज लाइक माई फेवरेट वेजिटेबल. स्ट्रेंज बट येस इट इज. तो मैं सारे वेजिटेबल्स खाती हूँ. तो दैट्स हाउ आई वॉन्टेड टू शेयर की एक छोटी सी स्टोरी. बट येस, इस तरीके से आप अपने कम्फर्ट जोन से, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आते हो. नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा वोकल हो जाते हो. ऑब्वियसली वोकल होते ही हो आप ट्रैवल में, क्योंकि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको कुछ लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, बीट ट्रांसपोर्टेशन, बीट होटल अकोमोडेशन, बीट फूड, बीट किसी भी जगह जाने के लिए आपको ऑब्वियसली वोकल होना पड़ता है. अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो भी ट्रैवल आपको सिखाता है कि आप दूसरों से कैसे बात करो, कैसे इंटरेक्ट करो, कैसे किसी से हेल्प लेनी हो तो किस तरीके से उनसे अच्छे तरीके से आप बात करो. तो इस तरीके से आप वोकल होते हो. और अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है, कोई एक्सपीरियंस आपको ऐसा है जो नहीं पसंद आ रहा है, बीट इन होटल, फ्लाइट, ट्रेन, कहीं पर भी, तो आप उस चीज के लिए आवाज रेस करना सीखते हो. और ये एकदम से नहीं आता है, क्योंकि इनिशियल डेज में मैं भी नहीं कर पाती थी. मैं इवन अपने होटल में जहां मैं पे कर रही हूं पैसे, वहां पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं बोल नहीं पाती थी लोगों को कि एक्सक्यूज मी देयर इज समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक. मैं नहीं बोल पाती थी. बट नाउ आई एम दैट पर्सन जो एकदम ऐसे खड़े होके मैं बस अपनी बात रख देती हूँ. और अब तो नाउ तो आई एम प्रो. बट मतलब जब मैंने सीखा कि मैं मैंने बोलना शुरू किया अपनी बातों के लिए. नंबर 4, मनी मैनेजमेंट. आप मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हो, क्योंकि बीट लग्जरी ट्रैवल हो या बजट ट्रैवल हो, किसी भी तरीके का ट्रैवल हो, आपको डेफिनेटली पैसे एक बजट रखना पड़ता है किसी भी ट्रिप के लिए. और उसके बाद आप उसको मैनेज करते हो थ्रू आउट द ट्रिप, चाहे छोटा ट्रिप हो चाहे बड़ा ट्रिप हो, उस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट सीखते हो. मेरी तो सारी सेविंग ट्रैवल में ही जाती है. तो मेरी मम्मी कभी ये वीडियो देखेगी तो डेफिनेटली बोलेगी, देखा मैंने बोला था ये यही करती है, ये यही करती है. नंबर 5 एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग जो कि ट्रैवल सिखाता है आपको, ग्राउंडेड रहना. मैंने एक बार पंकज त्रिपाठी जो एक्टर है उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, और वो कह रहे थे कि ट्रैवल कभी भी करना हो ना तो एकदम गरीब बन के करो. गरीब बन के इन द सेंस आप एकदम ऐसे बन के करो कि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है. क्योंकि आप अगर लग्जरी ट्रैवल कर रहे हो तो आप कभी भी एक लोकल प्लेस को, लोकल लोगों को अपने तक आने नहीं दे रहे हो. क्योंकि आप एक कार में ट्रैवल करोगे, आपके आगे पीछे लोग होंगे, आपके पास गाइड होगा, आपके पास ऑब्वियसली आप बड़े होटल में रुकोगे तो आप तक लोग अप्रोच भी नहीं करते हैं. लोगों को लगता है कि ओके इनको अप्रोच क्या करें, इनके पास गाइड है, इनको सब कुछ पता है. बट जब आप एकदम कम बजट में ट्रैवल करते हो, आप एकदम ग्राउंडेड होकर ट्रैवल करते हो और आप एकदम साधारण मनुष्य की तरह घूमते हो, तो आप एक लोकल बस में भी जाते हो, आप कंडक्टर से भी बात करते हो, आप ड्राइवर से भी बात करते हो, आप जहां पर रुके हुए वहां के लोगों से भी बात करते हो, आगे आसपास लोगों से हेल्प भी लेते हो, लोकल से भी बात करते हो. और आपके पास गाइड नहीं होता है तो आप लोगों से बात करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आप लोगों की वैल्यू करना भी सीखते हो कि बी ग्राउंडेड, थोड़े से विनम्र हो जाओ, विनम्रता से बात करो. झुकने वाले हमेशा हर लोगों को पसंद आते हैं. इट डजंट मीन कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहो, बट यस, हमेशा लोगों से प्यार से बात करो और सबको इज्जत दो, सबको बराबर समझो. एंड ये लाइफ में भी बहुत काम आता है. तो या दिस इज व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट ट्रैवलिंग एंड दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज, की थिंग्स आई हैव लर्नड ट्रैवल के साथ साथ. अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड गाइज, विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो टुमारो. टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते.